नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्बो न्यूज और मैं हूँ राखी राय। जैसा कि महापर्व छठ पूजा का माहौल है हर जगह, तो हर एक जगह पे घाटों की जो स्थिति है, व्यवस्था है, वो प्रशासन के द्वारा कैसी है और क्या है, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। मैं आने जैसा हम लोग तो बगल के मोहल्ला का आने जाने में तो बहुत दिक्कत था, लेकिन जैसा प्रशासन काम किया है ये तो बहुत ही अच्छा। हम लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि आज आप हम और आप यहाँ तक खड़ा हो गए, लेकिन होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा और यहाँ के कार्यकर्ता मेंबर द्वारा बहुत लगभग कर अपना बहुत बढ़िया। घाट थोड़ा सा छोटा हुआ, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि घाट कितना भी छोटा नहीं है। व्यवस्था है वो कितना मतलब कि सही है? प्रशासन की व्यवस्था सही है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन लोग हैं, अस्थायी थाना दो है, कंट्रोल रूम है, दो सहायक है, मेडिकल कैंप है, सरकारी वाहनों की पार्किंग है, सारी व्यवस्था है। तो बहुत अच्छा है, लेकिन घाट इस बार बहुत छोटा हो रहा है क्योंकि गंगा का धार काफी तेज है, इसलिए घाट बहुत छोटा हो गया। इस पर लोड काफी रहेगा, इसमें हमेशा प्रशासन को चौकस रहना पड़ेगा क्योंकि छठ व्रती को इतना भीड़ रहेगा कि वो आगे बढ़ जाएंगे जिससे डूबने का चांस है। काफी पानी बढ़ा हुआ है और घाट बहुत छोटा इस बार हुआ, अगले साल से आधा से भी कम है घाट की चौड़ाई, क्योंकि घाट ही की चौड़ाई छोटी हो गई बहुत, अगले साल से आधा से भी कम है। हम तो दर्शक हैं जो देखने आए हैं, पता चल रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन घाट बहुत छोटा है और इस बार अगल बगल सब घाट बंद है, लोग का प्रेशर यहाँ ज्यादा रहेगा। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे घाट तो हमेशा चौकस है जिससे लोग डूबने से बचे, क्योंकि बहुत खतरनाक घाट। अच्छे व्यवस्था पर प्रशासन की है इस बार भी, और बड़ा धारी को अच्छा ही सुविधा मिलने की उम्मीद है। बहुत से बढ़िया ब्रैकेट भी लगा दिया गया है, पानी का कम है, भाड़ा तेज रहने से कोई बात नहीं है, ब्रैकेट लग गया है, बड़ा धारी को आराम से ही होगा। और यहाँ का जितने भी कार्यकर्ता मेंबर लोग भी है वो भी अपना वॉलंटियर के साथ वो घाट के अपना सुरक्षा के लिए, चार मजिस्ट्रेट, दो पुलिस पदाधिकारी और 10 लाठी बल प्रतिनिधि थे, जिसमें दो महिला मजिस्ट्रेट हैं, दो पुरुष मजिस्ट्रेट हैं, दो पुलिस पदाधिकारी। तो आप लोग मतलब कितने दिन से यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखी? आज से लेकर के और जिस दिन पारण होता है, यानी छठ व्रत के समाप्ति तक यानी 2 तारीख को सुबह तक, तीन को सुबह तक हम लोग यहाँ घाट पर रहेंगे। व्यवस्था संधारण हेतु भीड़ नियंत्रण या आकस्मिक जो दुर्घटना है उसमें हम यहाँ की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा जो बनी हुई स्थिति वो काफी अच्छी है और छठ व्रतियों को इस बार अच्छे से पूजा करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।